हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? बढ़िया हो आप लोग? वेरी गुड। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं सबको पता है ना? अब तक तो सबकी राखी हो चुकी है, खूब इंजॉय किया है ना सभी ने। मामाओं के यहाँ खूब धूल धूम मचाई है ना। खूब अच्छी अच्छी चीजें खाई है और खूब मस्त इंजॉय किया है। अब हमारी पढ़ाई पे हम वापस आ जाएं तो सभी अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। सभी मेरे साथ दोहराएं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये श्लोक तो हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन कितने बच्चों ने याद किया है? तो सबको याद करना है, मैम के साथ दोहरा के उसे याद करना है। इसीलिए पहले कुछ श्लोक मंत्र याद करेंगे, फिर नए सीखेंगे, है ना? तो आज हम अपनी मयूर पंख का पाठ 4, वाहरे हजारी लाल, पढ़ा था ना हमने हजारी लाल, कि किस तरह से मात्र 15 साल की उम्र में प्रशांत धनवाड़े, है ना, उन्होंने अपने पुराने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। कॉलिंस का रिकॉर्ड तोड़ा था और 1009 रन बनाए थे एक ही पारी में बिना आउट हुए, है ना। और अपने माता पिता, अपने शहर, अपने देश का नाम रोशन किया था। तो आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपको इसे पढ़ना है और इसके कठिन शब्द छाट के लिखना है। उम्मीद है सब कर चुके हैं, सभी मुझे इसकी पिक सेंड करेंगे, है ना। बहुत कम बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मुझे टाइम से करें, करते हैं लेकिन वो बाद में करके भेजते हैं। तो सभी को जिस दिन वर्क होता है उसी दिन करके भेजना है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे, पाठ्योत्तर गतिविधि, है ना। तो आ जाएंगे आप पेज नंबर 26, इस पे आ जाएंगे पेज नंबर 26। अब पहला प्रश्न है, हमेशा की तरह सही विकल्प, पहला प्रश्न सही विकल्प। अब इसमें है, प्रणव का जन्म हुआ था 13 मई 2000 को, 5 मई 2001 को, 18 मई 2002 को। तो सही उत्तर क्या है? 13 मई, हाँ, 2000। सभी अपना आंसर पहले ही बताएंगे ताकि अपनी मम्मी को पता चले कि हाँ 13 मई ये आपका सही उत्तर है। क का ये अ है, आपका क का क्या है, ये अ। प्रणव ने कितने रनों का रिकॉर्ड बनाया था? 1009, 9009, 8009। तो कितने का बनाया था? 1009, है ना। ख का कौन सा आएगा? अ। अब आ जाएंगे ग पे। अपने रिकॉर्ड से प्रणव ने कितने साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था? 96 साल, 119 साल, 136 साल। देखिए पुस्तक में कभी कभी क्या हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है। अब यहाँ ब में 116 लिखा हुआ है ना, लेकिन 116 साल का नहीं तोड़ा था, कितने साल का तोड़ा था? 119 वर्ष का। तो आपको क्या करना है, बुक में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100, कोलिंस का 119 वर्ष, दिख रही है मेरी फिंगर यहाँ पे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, पुस्तक में भी गलती हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि हमें कंफ्यूज होना है, हमने जब पाठ पढ़ा है तो हमें सही आंसर पता होता है। तो कॉलिंस ने कितने साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ा, सॉरी, प्रशांत धनवाड़े ने कितने साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ा था? 119
19 साल पहले का। प्रणव, प्रणव प्रशांत धनवाड़े उनका पूरा नाम था, है ना। उनके पिताजी का नाम था प्रशांत धनवाड़े, इसलिए पूरा नाम हमेशा पिता के नाम के साथ बोला जाता है, प्रणव प्रशांत धनवाड़े। तो प्रणव ने कितने रनों का रिकॉर्ड बनाया था? 1009। अपने रिकॉर्ड से प्रणव ने कितने साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था? तो ब 119 साल। इसको आप सुधार लेंगे, ब 119 साल। इसको आप 6 को 9 बना लेंगे। प्रणव ने कुल कितनी गेंदें खेलकर रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड रन बनाए? अ 327 गेंदें, ब 527 गेंदें, स 397 गेंदें। तो अ 327 गेंदें, घ का अ 327 गेंदें। ये आपका सही उत्तर है। सभी लोग टिक लगा लें। आपको ऑप्शन सॉरी दे रखे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, टिक लगाना है। अब आ जाइए 4 नंबर पे, पेज नंबर 20। चुनकर खाली स्थान भरिए। प्रशांत धनवाड़े का जन्म में हुआ था कल्याण मुंबई। आपको पता है कहाँ हुआ था? सही आंसर है कल्याण। तो क का सही आंसर क्या आएगा? कल्याण। ख, प्रणव ने अपनी पारी में 129 लगाए थे, चौके छक्के। क्या लगाए थे? 129 चौके लगाए थे। क्या लगाए थे? 129 चौके। ग, प्रणव एक देश परिवार से था, साधारण धनी। सबको पता है उसके पापा क्या चलाते थे? ऑटो। ऑटो कौन चलाते हैं? साधारण लोग, है ना। धनी लोग तो कार में घूमते हैं। तो कैसे परिवार से था प्रणव? साधारण। अब आ जाइए, प्रणव के पिताजी ने अपने बेटे पर दिखाया, क्या दिखाया था? गुस्सा या विश्वास? क्या दिखाया था? विश्वास। क्या दिखाया था? विश्वास। अब आ जाइए पेज नंबर 27 पे। किस पे आ जाएंगे हम लोग? लिख लीजिए इसे आप पहले, फिर लिखेंगे। ध्यान से लिखिए, अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे सभी लोग।
पाएंगे हम लोग पेज नंबर 27। भाषा की समझ, भाषा की समझ मतलब ग्रामर की बात करेंगे, व्याकरण है ना। भाषा की समझ, इसमें आप व्याकरण संबंधित चीजें पढ़ते हो, है ना। सही वर्तनी वाले शब्दों पर निशान लगाए। वर्तनी मीन्स मात्रा, जिसकी गलती आप लोग बहुत करते हो तो आपको यहाँ पे सही वर्तनी को चुनना है और उसको पे क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। पहला है क। अब आपके सामने है विश्वास, है ना, विश्वास, विश्वास। तो जो आपका पहला है वो सही शब्द है, क आपका सही है, विश्वास, क का पहला विश्वास सही है, है ना। हर इसमें आपको तीन तीन दिए हैं। अब ख है उम्र, है ना, उम्र और उम्र, एक में र रेफ है, एक में र पदेन है और एक में भी र पदेन है, लेकिन आपका जो दूसरे नंबर का उम्र है वो सही। ख में जो उम्र लिखा है जिसमें र पदेन की मात्रा है, ये वाला आपका आंसर सही है। फिर एक ग, साधारण, तो आपका साधारण गलत है, साधारण भी सही गलत है। आपका जो सबसे आखिरी वाला ग है साधा रण, ये आपका क्या है, सही उत्तर है, है ना। अब है घ, पोषण, पोषण और पोषण। तो सेकंड नंबर का जो है आपका इसमें घ में पोषण, हमेशा सही उच्चारण से सही मात्रा का हमें पता चलता है। अब आप सोचते हो कैसे वर्तनी पहचाने, तो जब हम सही उच्चारण करेंगे उससे ही, इसलिए मैम आपको बोलती है बोल बोल के लिखिए, सही उच्चारण से आप सही मात्रा पहचान सकते हैं। उम्र, विश्वास, साधारण, पोषण, तो ये आपके क्या है, सही उत्तर है। सभी इन पे आप लोग टिक कर लीजिए। शब्द चुनकर लिखना है, यह पाठ क्रिकेट के खेल से संबंधित है, क्रिकेट अंग्रेजी शब्द है, है ना। तो पाठ में से आपको अंग्रेजी शब्द चुनकर लिखना है, है ना। तो मैंने कुछ चुने हैं, आप भी चाहें तो चुनकर लिख सकते हैं। दो, आउट, आउट, रिकॉर्ड, मैंने लिखा है रिकॉर्ड, रन, रनने दौड़ना, हिंदी में बोलते हैं ना आउटने, आउट हो जाना जिसको बोलते हैं, जिसमें से हार जाते हैं जिसको। ट्वीट, ये शब्द तो आप लोग अच्छा बहुत सुनते हो, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, है ना, किसी भी किसी बात पे, किसी बात पे टिप्पणी जो बोला जाता है उसको ट्वीट करना बोला जाता है। इंटर, इंटर यानी दो स्कूलों, दो टीमों के जो बीच में होता है वो इंटर होता है ना। फिर
अलावा आपको अगर कुछ शब्द मिलते हैं आप अपनी पुस्तक में यहाँ पे इन्हें लिख लीजिए, पुस्तक में ही लिखना है। पेज नंबर 27 का प्रश्न 2 है। सभी का हो चुका है, सभी लोग अब पेज नंबर 28 पे आ जाएंगे। जिसका नहीं हुआ है वो लिख सकते हैं, इन्हें बोल के लिखना है। सारे अंग्रेजी के हैं, कठिन शब्द भी हैं। इसके बाद है प्रश्न 3। इसे मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको स्वयं लिखना है। यहाँ पे आपको दिया है कि इन शब्दों को 3-3 बार लिखना है। ये शब्द आपको दे रखे हैं, है ना, स्थान, बल्लेबाज, प्रशांत और प्रणव। ये सभी शब्दों को आपको क्या करना है, इन शब्दों को यहाँ पे 3-3 बार लिखना है बोल बोल के। ये भी आप लिख लीजिए। 5 मिनट 2 मिनट का समय देती हूँ आपको मैं। बोल बोल के अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखना है आपको। ये अभी ही लिखना है आपको। अभी से मीन्स इसलिए लिखवाती है मैम कि आपका वर्क पूरा हो जाए, आप बाद में आप इसे लर्न करें। होमवर्क भी मैम आपको देने वाली है। है वाक्य बनाए, ये आपको होमवर्क है, आपको खुद से करना है। छोटे लेकिन अर्थपूर्ण अच्छे वाक्य बनाना है जिनका अर्थ निकले। कुछ बच्चे कुछ भी वाक्य बनाते हैं बड़ा सारा बना के, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, तो ये भी आपको खुद से करना है। इसके बाद क्रिकेट खेल आरंभ के दिनों में प्रतिष्ठा का प्रतीक था, संपन्न घराने के लोग इसे खेलते थे, पता लगाइए। क्रिकेट का आरंभ वर्ष
क्रिकेट का आरंभ स्थान, आपको ये पता लगाना है कि सबसे पहले क्रिकेट कहाँ पे स्थान उसका पता करना है और उसका वर्ष ईयर पता करना है। और आपको यहाँ पे गतिविधियों के आयाम जो दिए हैं यहाँ पे करना है। इसी के नीचे है कप्तान अपनी टीम की शक्ति होता है, आप अपनी टीम के खिलाड़ियों को अच्छा खेलने के लिए किस प्रकार प्रेरित करेंगे, है ना। अगर आप कैप्टन बनते हैं तो आपको बताना है, सोचना है कि आप किस तरह अपने क्रिकेट की टीम के कैप्टन हैं तो किस तरह से उन्हें सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे। अब मान लीजिए आप भारतीय टीम के कप्तान हैं और आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना है, तो बताइए आप कौन कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखना चाहेंगे। भारतीय टीम के क्या हैं आप? कप्तान। और आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना है तो आप बताइए। अब यहाँ पे आपको क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम लिखना है, 4 और 11। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो आपको अपनी पसंद के क्रिकेटर्स के नेम चुनना है ना, और उनके नाम वहाँ पे लिखना है। फिर एक चित्र दिया है, किस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, उसमें क्या हो रहा है, उसके ऊपर आपको 5 वाक्य लिखना है। ये सब काम आपको स्वयं करना है ना, ये क्योंकि एक्टिविटी है, ये खुद आपको करना है। आपको सेंटेंस बनाना है, उम्र, पिता, बेटा, परिवार। मेरी उम्र 7 वर्ष, छोटा और बिल्कुल अर्थ वाला, है ना, अच्छा बढ़िया वाक्य बनाना। पिता, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। बेटा, मेरा बेटा बहुत शरारती है। परिवार, मुझे मेरे परिवार से प्यार है। तो ये मैंने बनाए हैं, आपको अपने मन से बनाना है। तो इस पार्ट की हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, है ना, एक्टिविटी आपको से करना है, ये सारी एक्सरसाइज आपको दे चुके हैं। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं अब आपको अगली क्लास में लिखवाऊंगी, है ना। आप लोग ये तब तक कर लीजिए, 5 मिनट का आपके पास टाइम है, 2 मिनट का। और अगली क्लास में आपको मैं आपकी नोटबुक तैयार रखें, प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी, है ना। पाठ को पढ़ के मैंने आपको कठिन शब्द झाड़ के लिखने को बोला था, उम्मीद है सारे बच्चे कर चुके हैं। तो आज की क्लास मेरी यहीं पे समाप्त होती है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से ये सारा वर्क करके मुझे बताएंगे, है ना। तो सभी को अगली क्लास के लिए बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।